हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो बेटा। तो ब्रह्मा सीरीज में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे ये हो गया था कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो मैं उनको भी आप मतलब इंक्लूड करा दूंगा। मतलब जैसे आपके बेटा हाइटर डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैं उनको भी कवर करा दूंगा। और शायद ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि इससे पहले ये क्वेश्चंस मुझे मतलब स्टूडेंट्स सेंड करते थे। तो अब क्या है, अब मैं खुद से सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और वो सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आपका अब से जिम्मा मेरे ऊपर आपका हो गया है। तो बेटा ये हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक चल रहा था, द्विघात समीकरण। तो इसमें अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमको हमको क्या था कि द्विघात मतलब आपका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे होती थी, उसको हमको सॉल्व करके रूट्स निकालने होते थे। यहाँ पर आपका थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे हमको बेटा रूट्स दे रहे होंगे, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बतानी रहेगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमको इक्वेशन से रूट्स निकालते थे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रूट रूट से आपका इक्वेशन यहाँ पर फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे तो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या जाएगा, जैसे हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स हमको दे रखे हैं, रूट्स -5 -6 हमको दे रखा है। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर हमको रूट्स दे रखे हैं तो लिखेंगे, अच्छा रूट्स को हम लिखेंगे रूट्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा रूट्स होते क्या हैं, अल्फा एंड बीटा होते हैं। तो हमको अल्फा मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू हमको -5 दे रखी है और बीटा की वैल्यू हमको -6 यहाँ दे रखा है। तो हमसे कह रहा है यार इक्वेशन बनाओ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है एक्स माइनस का अल्फा एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस का बीटा, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा अल्फा की वैल्यू एक्स ऐसे रहेगा, अल्फा की वैल्यू -5 पुट कर दो। तो देखो बेटा -5 पुट करोगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस अल्फा पहले से ही है। ठीक, अब यहाँ देखो अल्फा, अगर ये आपका माइनस का बीटा लिखा हुआ है, बेटा बीटा की वैल्यू -6 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो इनका मल्टीप्लाई खाली कर लो तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। भाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 6 से करोगे आपका 6 आ जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे आपका 5x आ जाएगा, और 5 6 आपका 30 आ जाएगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे लिखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भाई 6x 5x ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 11x आपका आ जाएगा, और प्लस का 30 इक्वल आपका ये 0 आ जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगी, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके द्विघात समीकरण यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि अब एक वीडियो में एक क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे, एक वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन लेके आएंगे तभी आपका, क्योंकि ये टॉपिक बेटा बहुत बड़ा टॉपिक। और अभी हमको पता ट्रायंगल पढ़ना है, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, हमको सरफेस एरिया वैल्यूम पढ़ना है, अभी हमको टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पढ़ने हैं। ठीक, तो टाइम कम है, अच्छे से पढ़ेंगे मतलब। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज आर 5 एंड 6। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे कह रहा है भाई देखो, हमसे कह रहा है सम दे रखा है तो लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, दे रखे सम ऑफ प्रोडक्ट हमको दे रखा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आप अल्फा प्लस का बीटा, ये कितना दे रखा है, ये हमको 6 दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ रूट्स बेटा नॉट प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स ये आपका इतना हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना जाएगा, ये आपका अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा आ जाएगा, ये आपका 6 दे रखा है। ठीक, इतना हमको पता है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर कोई बेटा अगर आप सम ऑफ रूट्स और इंटू अगर दे रखा हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू आपका एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा माइनस का, अब अल्फा प्लस बीटा आपका 5 आ जाएगा, तो आपका 5 ये आपका एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा हमको 6 दे रखा है, ये आपका 6 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0।
ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। तो बेटा ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी निपटा डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम रफ करते हैं, अपने हम थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। बेटा अभी ये तो हल्के ले क्वेश्चन है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखो बेटा 10 नंबर का तो थोड़ा बाहर से ही आता है। अब NCERT तो आप कवर कर ले जाओगे, ठीक 70 में 55 नंबर पाना ठीक नॉर्मल बात, मतलब NCERT से नंबर आप पा जाओगे। लेकिन बेटा जो 15 नंबर का पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा बाहर से आता है, जैसे RD शर्मा, बालाजी, ठीक, और अन्य बुक से आ जाता है। हो सकता है कि बिहार बोर्ड से कोई क्वेश्चन था कि यहाँ दे दे, ठीक, पंजाब बोर्ड से, भाई पंजाब बोर्ड वहाँ भी बोर्ड होता है, हाई स्कूल होता है, वहाँ की बुक का क्वेश्चन था करके यहाँ दे दें, तो वो तो आपको थोड़ा 15 नंबर के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमको कह रहा है ये बेटा हमको इक्वेशन याद रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 = 0। कह रहे हैं अगर इसके रूट्स अल्फा है बीटा है तो लिखेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक, हमको इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, कितना दे रखा है अल्फा एंड बीटा दे रखा है, ठीक, हमको इतना दे रखा है। तो बेटा क्यों ना हम सम ऑफ रूट्स एंड निकालते क्या निकालेंगे निकालेंगे हम लोग सम ऑफ रूट्स बात करते हैं, सम ऑफ अगर रूट्स निकालोगे इसके, अच्छा क्यों निकाल लें ये भी देख लो। भाई हमसे कह रहा है कि यार इसके बाद कह रहा है देन, मतलब तब फाइंड द अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर ऐसे। अब कह रहे बेटा हमको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करो, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। हमको ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स कितने, क्या तुमको दे रखे हों, 2 अल्फा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1। मतलब ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके हमको रूट्स ये दे रखे हैं। बेटा अगर ये रूट्स हैं तो हम सम ऑफ रूट्स और इंटू ऑफ रूट्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पहले हम इसका निकालेंगे तो बात करते हैं, ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा हमको यहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हम लोग का काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं यहाँ पर है। ठीक, तो आपको हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, ठीक बेटा ये माइनस का बी अपान का ही होता है, तो बेटा यहाँ कंपेयर कर लोगे तो ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी माइनस का 1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा करके जाएगा माइनस का बी अपान का ए होता है, तो अब बेटा माइनस का 1 बी की वैल्यू दे रखी है, तो माइनस का बी कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 1 आप कैसे रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, अभी पॉलीनोमियल का नशा गया नहीं है लेकिन ठीक चला जाएगा। तो क्या जाएगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा करोगे तो आपका ये सी अपान का ये होता है, सी की वैल्यू माइनस का 2 माइनस का 2, ए की वैल्यू 1 तो आपका 1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अभी इसको ऐसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब कह रहा है कि हमको ऐसी इक्वेशन बताओ, मतलब ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स कितने को दे रखे हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो लिखेंगे अनदर इक्वेशंस रूट्स, अनदर इक्वेशंस अनदर इक्वेशंस रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस का 1, ठीक, एंड तुमको दे रखा है 2 बीटा प्लस का 1 हमको दे रखा है, इतना हमको यहाँ पर दे रखा है। तो देखो अगर इक्वेशन से हमको रूट्स निकालने हैं तो हमको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तुम क्या करेंगे अल्फा प्लस इन, ये जो अलग इक्वेशन है तो इनका भी तो रूट्स, इनके भी तो रूट्स का सम करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इनके, आ जाएगा आपका बात करेंगे सम ऑफ
अगर रूट्स की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, टू अल्फा प्लस वन क्या आ जाएगा, प्लस टू टू बीटा प्लस वन की बात आ जाएगी। भाई देखो इनको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, टू अल्फा टू बीटा में से अगर टू कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा, ये वन वन आपका यहाँ पर टू आ जाएगा। अच्छा देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का वन दे रखी है तो ये कितना आपका आ जाएगा भाई, टू ऐसे रहेगा, ये आपका माइनस का वन आ जाएगा और प्लस का आपका टू आ जाएगा। भाई इनको जब सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सम ऑफ रूट्स आपका जाएगा, सम ऑफ अगर रूट्स की बात करोगे आपका जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ऐसे बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे प्रोडक्ट ऑफ अगर रूट्स की बात करो तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इन्हीं ये अनदर इक्वेशन के रूट्स हैं, इनका इनटू करो तो आ जाएगा टू अल्फा प्लस का वन आ जाएगा और टू बीटा प्लस का वन आ जाएगा। भाई जब इनका इनटू करोगे तो अल्फा अल्फा कितना जाएगा, टू अल्फा टू बीटा कितना जाएगा, फोर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई वन से करोगे तो आपका आ जाएगा टू टू आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो वन का मल्टीप्लाई बीटा से करोगे तो आपका टू बीटा आ जाएगा, वन का मल्टीप्लाई वन से करोगे आपका यहाँ पर वन आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो फोर ऐसे रहेगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का टू दे रखी है तो आपका माइनस का यहाँ पर टू आ जाएगा। अच्छा टू टू अल्फा और टू बीटा में टू कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस का बीटा आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस का वन यहाँ लिखा रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो अल्फा ये आपका माइनस का एट आपका आ जाएगा, भाई माइनस टू का मल्टीप्लाई फोर्स करोगे तो आपका माइनस का एट आ जाएगा। यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर आपकी बेटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी निकली है माइनस का वन, तो आपका देखो प्लस का टू ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ये माइनस का वन आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस का वन निकली है बालक, प्लस का वन होगा ना, यहाँ पर आपका प्लस का वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा दो दो चार आपका आ जाएगा ना। भाई तो गलती यहाँ हमसे पता क्या हो गई, अल्फा प्लस देखो टू टू कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। देखो सवाल याद होते नहीं आपके सामने, सवाल लगाते हैं तो सवाल याद करके आए टिपा दे बिल्कुल से, तो सवाल नहीं याद होते हैं भाई, गलतियाँ हम भी इंसान के बेबी हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमको वन दे रखी है। अच्छा मुझे लगा माइनस का वन, मैंने ये कहाँ देखा था, ये वाला सर माइनस, गलती से, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी ब्रो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी वन दे रखी है तो टू इंटू वन करोगे आपका टू रहेगा, तो टू इंटू वन आपका टू हो जाएगा और प्लस का टू हो जाएगा, फोर आपका हो जाएगा। अल्फा प्लस दो जो बेटा नया वाला इक्वेशन बनेगा ना, उसके सम ऑफ रूट्स कितना निकला आपका, फोर निकला है। अब यहाँ देखो वही कहें ऐसे कैसे, तो यहाँ पर भी देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, तो ये आपका फोर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का टू, ये तो आपका माइनस का टू रहेगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आपकी जाएगी, यहाँ पर आपका वन आ जाएगा, तो ये आपका माइनस का एट रहेगा और प्लस का यहाँ पर आपका ये वन रहेगा ऐसे। अब देखो माइनस का एट, ठीक, और माइनस का एट प्लस का टू तो माइनस का आपका सिक्स आ जाएगा और प्लस का वन ये आपका माइनस का फाइव आ जाएगा। भाई तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो नया इक्वेशन आपका हो जाएगा, ये हमको क्या, ये क्या निकला है, माइनस का निकला है। भाई अल्फा इंटू बीटा ऐसे बोल रहे हैं, देखो ये इसको बेटा क्या मान लो, ये आपका पहला रूट हो जाएगा, ये आपका नई वाली इक्वेशन का सेकेंड रूट आपका हो जाएगा। तो जब हमने दोनों इक्वेशन के रूट्स को सम किया तो हमारा फोर आया है, जब दोनों इक्वेशन के रूट्स का जब इंटू किया है तो हमारा माइनस का फाइव आया है। अब हम न्यू इक्वेशन जो बनाएंगे लिखेंगे अनदर इक्वेशन जो आपकी रहेगी, इक्वेशन तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालोगे यहाँ पर। भाई अगर अल्फाबेट लिखेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज इससे हो जाओगे, ये अलग बेटा है, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक, और प्लस क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा केवल आपका जीरो आ जाएगा। अब देखो नई वाली इक्वेशन बनाओगे तो नए रूट्स निकालोगे, बेटा अल्फा ये सम ऑफ रूट्स यहाँ कितना आया है आपका फोर आया है, क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा
ये यहाँ पे आपका माइनस का 4, ये आपका एक्स लिखा जाएगा। अब देखो अगर बात करते हैं स्क्वायर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, आपका माइनस का 5 आया है, तो आपका जाएगा ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा इक्वल आपका 0 ये आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे हम लोग कर लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हमको क्या हुई थी भाई, देखो मैंने गलती यहाँ कर दी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 की जगह माइनस का 1 रखा था इसलिए आपका 0 रहा था। भाई अल्फा प्लस बीटा तो आपका 1 निकला है ना, यहाँ आप 1 रखोगे तो 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा और 2 × 2 आपका 4 आ जाएगा। भाई ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों नई वाली इक्वेशन के रूट्स का इंटू करोगे तो इंटू आपका माइनस का 5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 हमने यहाँ पर पुट करी है तो आपके ये माइनस का 5 आया है। तो हम सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो आपके इनका जब प्लस किया गया है तो आपका 4 आया था तो हमने यहाँ पर 4 पुट कर दिया है। ठीक, अब बात कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, भाई रूट्स का इंटू कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 α + 1 इंटू 2 β + 1 इंटू इंटू करोगे तो आपको माइनस का 5 यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस का 5 पुट किया है इक्वल 0 आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। बेटा यहाँ देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से नोट करते हैं। ठीक है, अभी टाइम बहुत है क्योंकि 11:30 बजे अपनी भांजी को लेने स्कूल जाना है। ओके ब्रो, तो क्या हो जाएगा, काम काम काम, लेकिन काम के बीच में पढ़ाई भी होती है। तो बेटा क्या जाएगा, देखो कह रहे हैं अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। भाई कह रहे हैं अगर अल्फा बीटा ये हमको इक्वेशन दे रखी है, CX² + का BX - का A = 0, तो इसके रूट्स हमको अल्फा बीटा दे रखे हैं, लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको अल्फा एंड बीटा हमको दे रखे हैं। ठीक, इतना दे रखा है तो कह रहे हैं फाइंड द, इसी का सगा भाई, कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, इतने रखे हैं। कह रहे हैं हमको बेटा वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स हमको 1/α + एंड 1/β हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। तो बात की बात है, पहले इसको हम थोड़ा यहाँ क्वेश्चन करते हैं। देखो हम कह रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक के, तो बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। तो ये कितना माइनस का बी अपान का ए, तो माइनस का बी कितना, देखो आपको बी दे रखा है और ए की जगह सी दे रखा है, क्या देगा ये आपका सी आ जाएगा। तो माइनस का बी अपान का सी, ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ आ जाएंगे। अच्छा बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी हम ये वाली क्वेश्चन गिवन है इसके निकाल लें, है ना, बाद में जो निकालना है उसके तो निकालेंगे है ही है। तो ये देखो ये आपका सी अपान के आता है, तो माइनस का ए आ जाएगा और अपान का सी की जगह आपका सी रहेगा। भाई ये इस अकॉर्डिंग ये बेटा सम ऑफ एंड द इनटू ऑफ रूट्स हमको दे रखा है, ये हमको क्या दे रखा है, इनके दे रखा है, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका इतना निकलेगा। ठीक है ना, कहो सर ये तो सी अपान का ए होता है, भाई हमको ए की जगह सी दे रखा है और सी की जगह हमको ए दे रखा है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इतना हमको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। अब बात करेंगे कि रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन, भाई जब हमको अन्य इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स हमको दे रखे हैं, तो क्या दे रखे हैं, अनदर इक्वेशन लिखते हैं पहले, अनदर इक्वेशन, तो मुझे 1/α एंड 1/β हमको यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है ना। तो ये इक्वेशन का रूट्स निकालने, तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन के रूट निकालने का, आप क्या हो जाएगा X² - का, अब बेटा सम ऑफ क्या भाई, सम ऑफ रूट्स होता है इनटू ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, और प्लस कितना जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आपका रूट्स होता है इक्वल ऑफ 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसका सम ऑफ रूट्स करोगे तो X² आपका ऐसा लिखा रहेगा माइनस का, अब सम कितना हो जाएगा, 1/α + का 1/β आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ये आपका ऐसा ऐसा लिखा रहेगा।
प्लस यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट बात करोगे तो अल्फा वन अपान अल्फा इंटू वन अपान का बीटा इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। आपको सर इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे? बेटा यहाँ देखो इनका एलसीएम ले लोगे तो थोड़ा अगर परमिशन हो यहाँ हम सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये एस स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब बेटा इनका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा बीटा प्लस का अल्फा अपान का अल्फा इंटू ये बीटा आ जाएगा, ये आपका एक्स ऐसे लिखा जाएगा। अब प्लस यहाँ लगा दो आपका ये प्लस हो जाएगा। अब इनका इंटू करोगे तो बेटा देखो अगर अल्फा इंटू बीटा माइनस का ए अपान का सी है तो ओ आर और ओ आर कह लेंगे, तो बेटा वन अपान का अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, ये आपका सी अपान का माइनस का ए आ जाएगा। हमने क्या किया इनकी इनका उल्टा कर दिया ना, तो उल्टा करने आपको इतना आ जाएगा। तो देखो वन अपान का देखो वन अपान का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान का माइनस का ए आ जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो कितना लिखा जाएगा, माइनस का सी अपान का ए लिखा जाएगा, इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। अब देखो इधर इतना इतने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिखा इसे सॉल्व खाली एलसीएम लिया है और अल्फा इंटू बीटा को वन अपान अल्फा अल्फा इंटू बीटा तो ए अपान सी था तो आपका सी अपान का ए हो जाएगा, वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब देखो इधर अल्फा भी आपका इसे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा के ये। अब बड़े हम क्या पुट करेंगे, देखो बीटा प्लस अल्फा को हो या अल्फा प्लस बीटा को हो बात आपकी एक हो जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा ये हमको माइनस का सी अपान दे रखा है, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से एक बड़ी सी फ्रैक्शन ड्रा कर दो तो माइनस का बी अपान का सी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा तो ए अपान का सी दे रखा था, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए अपान का ये माइनस का ए अपान का सी यहाँ दे रखा था और ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ये आपका एक्स ऐसे लिखा जाएगा ठीक। अब प्लस यहाँ देखो प्लस ये देखो बेटा सी अपान ये माइनस दे रखा तो आपका प्लस माइनस का माइनस का सी अपान का ए इक्वल आपका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। बेटा बीच वाले खाली सॉल्व यहाँ पर करना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी इंटू भाई सी को ऊपर ले जाओगे तो आपका बी सी आ जाएगा और माइनस ए के मल्टीप्लाई सी से करोगे तो माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ लगेगा और ये हम लोग ब्रेकेट के अंदर की बात करते हैं, माइनस बी ऐसे रहेगा। अब देखो माइनस ए इंटू आप माइनस ए इंटू आपका सी आ जाएगा, ये एक्स आपका ऐसे लिखा जाएगा माइनस का सी अपान का ए इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। अब यहाँ बेटा देखो ठीक है ये वाले सी से ये सी आपका कट जाएगा, तो इसके बाद कहानी इधर देखो आपका आंसर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का देखो बेटा ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये माइनस बाहर वाला माइनस आपका यहाँ रहेगा तो माइनस का बी अपान का ए इंटू आपका एक्स आ जाएगा और माइनस का सी अपान का ए इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। और अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करना चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो देखो माइनस बी एक्स अपान का ए और माइनस सी अपान ऐसे लिखा गया है तो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी एक्स माइनस का सी पूरे का अपान में ए आ जाएगा इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। तो इनका एलसीएम ले तो क्या जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी, बेटा देखो पूरे का पान में यहाँ पर ए आ जाएगा इक्वल आपका जीरो आ जाएगा, या ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी, बेटा ए का मल्टीप्लाई जीरो से करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो आपका आ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो हमको यहाँ पर फाइंड करनी थी। भाई क्वेश्चन ये पूरा हो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा संपन्न होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था अगर सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का अगर ये हमको इक्वेशन दे रखी है इसके रूट से, बेटा अगर अल्फा बीटा अल्फा और बीटा इसके रूट से यहाँ दे रखे हैं तो हमने क्या किया सम ऑफ रूट्स निकाल दिया और इनटू हमने रूट्स का इनटू यहाँ पर निकाल लिया तो आपका क्या आ जाएगा अल्फा इनटू बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा माइनस का बी अपान का सी आ जाएगा और अल्फा इनटू बीटा माइनस का सी माइनस माइनस का ए अपान का सी आ जाएगा ठीक है। तो देखो अब हमने को जो हमको अन्य इक्वेशन के रूट्स बेटा यहाँ दे रखे थे तो हमने उनको यहाँ पर लिख लिया तो वन अपान का अल्फा एंड वन अपान का बीटा आ जाएगा ठीक है। इन रूट्स को लेकर के जो बेटा इक्वेशन जो आपका इक्वेशन फॉर्मेशन होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स ये कितना आपका आ जाएगा वन अपान का अल्फा प्लस वन अपान का बीटा आपका आ जाएगा ठीक। और इसकी बात करते हैं इंटू से करोगे तो वन अपान का अल्फा इंटू वन अपान का बीटा आ जाएगा। भाई प्लस वाले को थोड़ा सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है इंटू यहाँ पर नीचे आ जाएगा भाई इनका एलसीएम वहाँ पर ले लिया गया है। जो देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस का सी अपान दे रखा है तो वन अपान का अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपान का माइनस का ए आ जाएगा।
तो हमने ये देखो इसका इंटू करोगे तो हमने माइनस का सी ए पाने वैल्यू पूरी पूरी यहाँ पर पुट कर दी है, इनको सॉल्व कर लिया है पूरा है भाई। इसके बाद खाली सॉल्व खाली करना आपको है तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भाई। देखो कहीं आपका आंसर यहाँ पर भी आंसर आपको दे सकता है, एक बार यही आंसर आ जाएगा। अगर ना दे हो तो आपका ये वाला आंसर तो आएगा ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।